चलें जी, कोई तारीफ करे ना करे, मेरी बच्ची ने तो मेरी तारीफ कर दी है कि मामा आप बहुत खूबसूरत सी लग रही हो। सो जी, जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे दाग तो अच्छे होते हैं। हरीम को छोड़ो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? ठीक हैं? डू होप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। क्या करूँ, जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अभी देखें आप, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और मेरे बच्चे जो है मुसलसल बोले जा रहे हैं। ये कौन सा सोने का टाइम है? प्रयाल, शनी, क्या हो रहा है? सो जी, ये देखें, मैंने अभी साफ सफाई की थी सारी तरफ से और ये काम दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखें, जराबे इन लोगों ने उतार के इधर ही फेंक दी हैं और ये कंबल शंबल जो है ना अभी रख रहे हैं। फिर से वो दोबारा से जो है ना कबाड़खाना मचने लगा है यहाँ पे। मैंने अभी काम फिनिश किया था, सब कुछ फिनिश करके मैं खुश होकर बैठी थी कि अभी मेरा घर साफ हो गया। लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं। सो जी, जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे दाग तो अच्छे होते हैं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, आज बाहर वैसे काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत ही नाइस है। अगर बंदा थोड़ी देर के लिए बाहर जाए ना तो सही ऐसे गर्मी लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आज सही वाली धूप है ना। और यहाँ पे देखें, मैंने करेले जो है ना धो के रखे हुए। अभी जो आपकी बहन ना वो बनाने वाली है जी चिकन करेला, क्योंकि आपकी भाई की फरमाइश थी। सो चलें, आप भी आ जाए मेरे साथ, मिल के सारे किचन में काम करते हैं एंड साथ में गपशप कर लेते हैं। सो कम विद मी, चलते हैं किचन में और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ सूरत हाल है। यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल तो सब कुछ सूरत हाल साफ साफ ही है, लेकिन ये मैंने चिकन निकाल के रखा है। एंड मुझे क्या लग रही हूँ आपको? मुझे बहुत खूबसूरत से लगती हूँ। खूबसूरत वो क्या होता है? खूबसूरत से बहुत अच्छी है। खूबसूरत बोल, खूबसूरत, खूबसूरत से लगती हूँ। हैं, आपकी मामा हूँ ना इसलिए आपको खूबसूरत सी लगती हूँ। अच्छा, और वो नहीं लगती, खाली आपको लगती हूँ या नहीं? बंदू, बंदू को तो नहीं खूबसूरत लग रही होंगी कि लग रही हूँ? लग रही हूँ। चलें जी, कोई तारीफ करे ना करे, मेरी बच्ची ने तो मेरी तारीफ कर दी है कि मामा आप बहुत खूबसूरत सी लग रही हो। आज तो जी हरीम ने मुझे खुश कर दिया मेरी तारीफ करके, अभी इसी खुशी में हांडी बनाती और अभी मैं बाकी की चीजें निकाल के लाती हूँ, देन फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी यहाँ पे देखिये, मैंने यहाँ पे मैंने करेलों को तलने के लिए रख दिया है और इधर मैं प्याज को साथ में तल रही हूँ और इसके अंदर अभी हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे चिकन को मैंने छोड़ दिया भुनने के लिए और करेले भी जो हैं वो ऑलमोस्ट हो रहे हैं। सो जी, अभी मैंने टमाटर निकाल लिए, टमाटर और हरी मिर्चें निकाल ली हैं, इनको काट लेते हैं। तो जब तक दूसरी चीज़ें रेडी हो जाती हैं, मिर्चें मैंने फ्रीज की हुई थी इसलिए जो है ना थोड़ी सख्त सख्त है। वैसे मैं कोई इतनी बड़ी शेफ नहीं हूँ, ऐसे आज बस मूड बन गया कि खाना बनाते टाइम से वो वीडियो बना लेते हैं। आप लोग मेरे से अच्छा बनाते होंगे ये मुझे पता है, नॉर्मल कुकिंग कर लेती हूँ। देसी शेसी खाने जो है ना वो मैं बना लेती हूँ, ये भी हो गया। चलें जी, जब तक यहाँ पे चीजें रेडी होती देखते हैं बच्चा पार्टी क्या कर रही है। अंदर देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। फ्रियाल गिर जाती तो नहीं गिरती, अगर आपसे छूट जाए तो गिर जाए फिर क्या होगा? ऐसे पकड़ लोगी, देखना जी यहाँ पे गेम चल रही है। ओह
माई गॉड हरीन, अब पसंद करो फिर अलग चाहिए। अच्छा इसको गिराना देना। अच्छा और ये इसका ढक्कन डब्बे का, ये इस डब्बे का ढक्कन है जो यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे स्लाइड बनी हुई है, ये देखिए। इसको उठाओ ढक्कन को फरियाल और डब्बे के ऊपर रखो मेरा बेटा प्लीज। ये बहुत गुस्से वाली है, ये इसको पसंद है कि घर के अंदर जो है ना चीजों का है ना। हाँ अब ये भी ले लेंगे, अब स्लाइड रह गई है वो भी ले आएंगे, ठीक है। और इसको पसंद है फरियाल को कि घर पे घर के अंदर जो है ना चीजों का खलियाड़ा पड़ा रहे और ये खुश होती है। देख हरीम मुझे डर लग रहा है फरियाल आपसे गिरेगी। ओके अब फसन करो यार, फरियाल बस कर दो बेटा, बस करो बस। नो नहीं आप नहीं खेल। हेलो कैसे बोल रही हो मम्मा को, आप नहीं खेल सकती। नो ओह माय गॉड, इतना गुस्सा मम्मा के साथ कर। पीछे हो, मैं क्यों पीछे हूँ गाइस? ये लड़की इतना गुस्सा करती है, छोटी सी है और इसके अंदर ना सही गुस्सा बड़ा हुआ है पूरा। ये जो छोटा सा ये छोटी सी नजर आती है ना आप लोगों को, इसके अंदर इतना गुस्सा है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये प्यारी सी जो है, ये क्यूटी सी, ये बहुत गुस्से वाली है, इतना डांटती है ये सारू को। यार ये करेलू में से तो सारा गेहूँ छुल छुल के बह जा रहा है। ये देखिए मेरे सारे किचन की जो है ना सत्यानाश हो रही है, इसलिए मैंने ना इसको ऊपर से डांप दी है ये जाली के साथ। करेले में काफी हद तक हो गई, ये देखिए किस तरह से जो है ना इसके ऊपर से घी बह रहा है और इस वजह से जो है ना मैं फोन को नहीं साइड पे कर दी इतना, क्योंकि कैमरे पे फिर सारा घी जाना है। अभी हम इसमें थोड़ा मसाले डाल देती हूँ जो बाकी के रह गए एंड अपने हिसाब से। सो जी करेलों को मैंने मिक्स कर लिया चिकन के साथ एंड तड़का वगैरह लगा के सारा कुछ। मैंने इनको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है। सो जी साथ मैंने आटा भी गूंद लिया और आप देख सकते हैं मेरी हांडी भी रेडी हो गई है चिकन करेला एंड हम ये सब ये चूल्हे को बंद करते हैं और इसको बंद दम पे लगा के छोड़ देते हैं। यार कसम से सारी तरफ जो है ना तेल ही तेल हो गया, मेरे फोन के ऊपर इतना ज़्यादा तेल है। जनाब सबकी हाजिरी हो गई है, आ गए वापस और ये तो आप पहले भी देख चुके हैं मेरी बच्चा पार्टी जो है ना, इन्होंने बस अपना ही जुगाड़ लगाया हुआ है। हाय बोल दें। अस्सलाम वालेकुम प्यारियों, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? प्यारों ने आज मेरे साथ जो ना किचन में टाइम स्पेंड किया माशाल्लाह। तौबा कर रहे थे कि तौबा। अच्छा बड़ा मुश्किल का हो, तुमने करेले चेक तो नहीं कराए इनको? नहीं अभी नहीं चेक कराए, वो तो आप चेक करेंगे तो जो है ना रिव्यू देंगे फिर। मेरे ख्याल से आपने करेले चेक कराए, हमारा काम था बनाना, हमने मैंने और मेरी YouTube फैमिली ने हमने करेले बनाए। अच्छा अभी चेक आपने करना है रिव्यू, उसके बाद आपने देने, ठीक है? बिल्कुल हम देंगे जी। हाँ हमने फैमिली को नहीं चेक कराया, फैमिली को नहीं चेक करो वो पता क्या, अभी दुआ होगी जब दुआ के बाद पता है वो प्याले खुलते हैं ना। हाँ उससे पहले जो है ना वो कोई नहीं चेक कर सकता। अच्छा चलो दुआ कौन मांगेगा, आप मांगेंगे दुआ? चलो बिस्मिल्लाह करने हैं। नहीं प्यारे आपको पता है मेरी बेगम साहिबा जो है ना माशाल्लाह इनके हाथ में जायका है, देसी खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, वलायती में थोड़ी कमी हुई आ जाती है, बस देसी में देसी की मायर है। वलायती खाने खाने होते हैं कोई है? नूडल उबाल लो, क्या बना होता है वो पास्ते तो ये तो वो हम खाते हैं, हम लोगों के खाने में कोई कोई चीजें नहीं 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 खाना तो होता है जो बंदा देसी खाना खाने की लत भी ना लगे, उनकी लत भी ना लगे, जो बंदा देसी खाना बना ले ना सबसे मुश्किल होता है देसी खाना। यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया है जी, इन्होंने रिव्यू देना था। माशाल्लाह माशाल्लाह करेले हैं ये, गोश्त है ये, चिकन है, पता ही नहीं लगता इतने मजे के। आय हाय सच्चे सच्ची बोल रहे हैं या ऐसे ही मैं YouTube फैमिली को पका रहे? नहीं 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 वो मेरी फेस की एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अच्छा वेरी गुड, मैं आख्या पैसे पूरे हो गए। ओके हम खाना खाने लगे हैं जी एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में।